हेलो फ्रेंड्स, मैं आज मेरी बॉन्साई आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मेरी पाइन ट्री बॉन्साई, इसका एक साल हो गया है अभी। इसमें घर भी बना के सजाई है, ये चारों तरफ फैल गया है इसके पत्ते। ये है एक फाइकस राम भी, इसका दो साल हो गया है। अभी मैंने इसमें कॉपर टार लगा के रखी है सेप के लिए। इसका देखिए रूट, ये है पेरिस्किया, ये कैक्टस की वैरायटी है। इसका तो बहुत साल हो गया, इसका बहुत यानी कि 5 साल हो गया। ये ड्रेसिना है, इसका हालत अभी, इसको इन्फेक्शन हो गया इसलिए ऐसा हो गया है। इसको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा अभी, फिर भी दिखा रही हूँ, ये नया नया निकल रहा है। ये फाइकस रामपी एकदम सोती सी है, ये सबसे सोती बॉन्साई है मेरी। मैं बॉन्साई में बहुत पुरानी नहीं हूँ, फिर भी ट्राई कर रही हूँ अभी। इसको भी 9 महीना या 8 महीना हो गया है। ये फाइकस रिटूसा है, इसका तो 2 साल हो गया है। इसका पत्ते की कलर देखिए कितनी खूबसूरत है। ये बूसी हो गया है, इसकी रूट्स देखिए, इसमें लेडी बर्ड 2 रखी है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रहा था, तब ऐसा है, पानी पानी हो रहा है सब चारों तरफ। ये पत्ते में भी है पानी, ये देखिए। कुछ दिन बारिश होने के बाद मॉस उग जाएगा इधर, पहले थी, अभी समर सीजन में ज़्यादा होता है। ये भी एक फाइकस रामपी है, इसके रूट्स देखिए नीचे तक कैसे आ गया है। ये 5 साल पुरानी है, इसमें भी लेडी बर्ड रखी हूँ। ये पॉट मैंने खुद बनाई है, अच्छा लगता है खुद की बनाई हुई पॉट में ऐसे लगाना। इसको भी तार लगा के रखी हूँ। ये है मेरी फेवरेट बागन भेलिया, एकदम सोती सी पॉट में है। ये ऑयल कंटेनर था एक, तो मैंने काट कर यहाँ ये लगा दी है। इतनी सोती सी कंटेनर पे भी इसका ग्रोथ देखिए, और ये खिल भी रहा है कितनी अच्छी तरह से, बहुत दिन हो गया खिला हुआ। इसको भी सार साल हो गया, लेकिन खिला हुआ 2 साल ही हुआ। ये है फाइकस रामपी है, इसका देखिए कितनी मोटा हो गया है ये देखिए। इसको मैं इसको रिपोर्टिंग करूँगी, जब करूँगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी इसको। इसकी कंटेनर ठीक नहीं है अभी, पॉट चेंज करना पड़ेगा अभी इसका। ये देखिए इसे भी बूसी हो गया है, पत्ता भी सोता हो रहा है अभी। ये मेरा तो 8-9 साल पुरानी है, ये भी एक बागन भेलिया है। इसको अभी देखिए कितनी सोती सी है, ऐसे ही एक कंटेनर पड़ी थी, तो इतनी सोती सी कंटेनर में ऐसे लगा रखी थी, तो अभी कैसे खिला है देखिए। इसको जब बंद हो जाएगा खिलना, तब मैं इसको प्रूनिंग कर दूँगी इसका, तो ये ज़्यादा बूसी हो जाएंगे। ये एडेनियम है, ये बहुत दिन नहीं हुआ, ये भी मैंने खुद की बनाई हुई पॉट में लगाई है। ये देखिए इसका 3 साल हो गया है अभी। रूस देखिए, इसका स्टीम देखिए, ऐसे ब्रांचेस, पत्ता अभी पत्ता आने लगी है। 20 में ये झर गई थी, इन्फेक्शन हो गया था इसमें भी। ये देखिए बनाना प्लांट, कैसे मैंने ऐसे ही लगा दिया था इस माग में, ऐसे पड़ी हुई इस माग में ऐसे ही लगा दिया। तो इसको देखिए कितनी बड़ी पैर जैसे ऐसे हो गया है। देखते हैं बनाना आएगा या नहीं इसमें। ये भी एकदम सोता सा फाइकस रामपी है, इसको भी मैंने ऐसे ही काट की थो सोती सी वो कंटेनर थी उसमें लगा दी है। ये देखिए
रखिए। और इसका अभी नाम मुझे नहीं पता, मुझे जहाँ भी बोनसाई करने लायक पेड़ मिलता है तब मैं उठा लाती हूँ उसे। ये भी ऐसे ग्रो कर रहा है, मुझे बहुत पसंद है ये भी, छोटी छोटी पत्ते जो है इसका। ये भी एक फाइकस रैम्पी है, मेरे पास फाइकस रैम्पी का ज़्यादा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ये मॉस ग्रो हो रहा है, कुछ दिन बाद एकदम ग्रीन हो जाएगा ये, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मॉस ग्रो हो रहा है अभी। ये देखिए जब चारों तरफ भर जाएगा तो अच्छा लगेगा। ये है अम्ब्रेला ट्री, ड्वार्फ अम्ब्रेला ट्री। ये देखिए इसको भी बहुत साल हो गया है, इसका भी 8-9 साल तो हो गया है अभी। इसको देखिए बारिश हो रहा था इसलिए पॉट्स थोड़ा पानी पानी हो गया है। इसको नीचे से लगता है ये बहुत पुराना है। ये भी एक है, इसका तो 12 साल हो गया है इसका। इसका प्रॉपर नाम अभी मुझे नहीं पता। ये भी एक फाइकस रैम्पी है, ये छोटा सा निकल रहा है ब्रांच। तो ये एक है और इसका भी नाम मुझे नहीं पता, इसको भी मैं उठा के लाई हूँ रास्ते से। ये एक फाइकस रैम्पी है, देखिए कैसे फैल गया है नीचे। इसको भी मैं तार लगा के रखी हूँ। एक छोटा सा पॉट था तो इसमें मैंने 4 लगा दी है फाइकस रैम्पी, देखते हैं इसका शेप कैसा होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।